हेलो मित्रों, बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल संदीप ज्ञान में। आज हम फिर आपके लिए एक लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब का नोटिफिकेशन लेके आ गए हैं। जियो निकल रही है हाई कोर्ट से, तो इसमें किस प्रकार फॉर्म अप्लाई करना होगा, क्या सिलेक्शन प्रक्रिया रहेगी, संपूर्ण डिटेल्स आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। तो मित्रों, सबसे पहले हम आपको बेसिक जानकारी दिखा देते हैं, उसके बाद में ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो हाई कोर्ट ने जारी किया है इस रिक्रूटमेंट के बारे में, तो वो दिखा देंगे। तो सर्वप्रथम बात करते हैं, या जो वैकेंसी जो मिल रही है हाई कोर्ट से, आपको ये वैकेंसी जो है या मिल रही है। तो मित्रों, मैंने काफ़ी 3 या 4 दिन पहले एक वीडियो बनाया था कि हाई कोर्ट में 3000 के समथिंग आपको पोस्ट मिल रही है ग्रुप डी और कलर की, तो वो भी फॉर्म अभी स्टार्ट हो जाएगा 1-2 दिन में। उससे पहले एक और विज्ञप्ति आ गई है, वो हम आपको दिखाने जा रहे हैं। तो यहाँ आप देख सकते हो जो वैकेंसी निकल रही है, पद निकल रहा है, पद यहाँ देख सकते हो, कलर की पोस्ट आपको मिल रही है, कलर LDC या स्टेनोग्राफर जो भी आप कहें उसकी आपको पोस्ट मिल रही है। इसके साथ हम बात करते हैं योग्यता। तो योग्यता रखी गई है 12वीं पास, कोई भी कैंडिडेट फॉर्म अप्लाई कर सकता है जो पारा 6 और 7 को लेके, ठीक है मित्रों। इसी के साथ हम बात करते हैं आयु सीमा। आयु सीमा क्या होनी चाहिए, आयु सीमा 18 से लेके 44 ईयर्स, ठीक है। यहाँ अलग अलग देख सकते हो, अलग अलग कैटेगरी के लिए 18 से लेके 44 ईयर्स जनरल, और 18 से लेके 47 ईयर्स OBC, और यहाँ 49 SC ST। तो अलग अलग आप समझ गए होंगे, 18 से लेके 44 18 से लेके 47 18 से लेके 49 वर्ष तक, यदि 49 वर्ष के बीच आपकी आयु है तो इसमें आप जरूर फॉर्म अप्लाई करें। इसी के साथ हम बात करते हैं वेतनमान की। तो वेतन आप यहाँ देख सकते हो 14,000 से आपका इसमें वेतन स्टार्ट हो जाएगा, जो रहेगा 49,000 प्लस GB आपको मिलेगी, 7400 रुपये आपको ग्रेड पे मिलेगा। तो ग्रेड पे इसमें आपको अच्छा मिल जाएगा, तो पेमेंट जो आपका समथिंग हो जाता है 25,000 या 21,000 के समथिंग आपका इसमें पेमेंट हो जाता है। तो यहाँ ग्रेड पे बढ़ा दिया गया, इसके आधार पे आपके 25,000 रुपये पर मंथ आपका वेतन हो सकता है। इसी के साथ हम बात करते हैं इसमें फॉर्म की। तो आगे की प्रक्रिया जानने से पहले हम आपको एक जानकारी दे देते हैं, यदि आपको किसी भी परीक्षा के पुराने पेपर्स, स्टडी मटेरियल्स और करंट अफेयर्स की यदि आपको आवश्यकता है, तो आप हमें अनअकैडमी पे फॉलो कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, उस लिंक पे जाके आप हमें फॉलो कर सकते हैं और स्टडी मटेरियल्स प्राप्त कर सकते हैं फ्री में, और वहाँ हमें आप कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। इस प्रकार अप्लाई करना है तो आपको ऑनलाइन अप्लाई करना होगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी आपको, उस लिंक की सहायता से ताकि आप ये फॉर्म ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। वहाँ सिलेबस डिटेल्स भी दिखा रखी है। सिलेक्शन की बात करें तो सिलेक्शन आपका होगा इसमें लिखित परीक्षा के आधार पे, केवल आपका इसमें रिटर्न होगा और इसमें इंटरव्यू भी लिया जाएगा आपका। और तो आप यहाँ देख सकते हो नौकरी का स्थान गुवाहाटी आसाम से ये जॉब निकल रहा है, गुवाहाटी आसाम से ये जॉब निकल रहा है। यदि आप आसाम राज्य से बिलोंग कर रहे हैं तो इस फॉर्म को जरूर अप्लाई करें, क्योंकि आपके राज्य में ये गवर्नमेंट जॉब नोटिफिकेशन निकल के आ गया है, क्योंकि आपके राज्यों में गवर्नमेंट जॉब नोटिफिकेशन आपको बहुत कम देखने को मिलते हैं, तो ये फॉर्म आप जरूर अप्लाई करना। और इसी के साथ हम बात करते हैं इसमें किस प्रकार फॉर्म अप्लाई करना है। तो ये देख सकते हो जो विज्ञप्ति जारी हुई है विभाग के द्वारा, हाई कोर्ट गुवाहाटी के द्वारा विज्ञप्ति जारी हो गई है, जिसमें आपको 75 पोस्ट टोटल मिल रही है। जो पेमेंट वगैरह की डिटेल्स है आप यहाँ देख सकते हो, 10वीं पास कोई भी कैंडिडेट फॉर्म अप्लाई कर सकता है, प्लस आपके पास होना चाहिए स्टेनोग्राफर या ITI वगैरह का डिप्लोमा यदि है तो इसमें आप कर सकते हैं फॉर्म, और रिटन टेस्ट होगा। और यहाँ देख सकते हो इसमें आपका इंटरव्यू भी लिया जाएगा। हाउ टू अप्लाई देख सकते हो, हाउ टू अप्लाई में आपको ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक दिखाई दे रहा होगा, इस लिंक की सहायता पे इस लिंक की सहायता से आप ये फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो मित्रों, आज का गवर्नमेंट जॉब नोटिफिकेशन कैसा लगा ये ज़रूर बताना, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब नोटिफिकेशन के साथ, तब तक ले जय हिंद जय भारत।